वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज की वीडियो में फाइनली बात करेंगे सिम के ऊपर कि कौन सी सिम आपको लेनी चाहिए, कौन सी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ के बारे में इन डिटेल बात करूँगा। और आज का कहीं ना कहीं टॉपिक उससे रिलेट करेगा जो VFS ग्लोबल में जो सिम मिलती है ना, फाइडो की सिम मिल रही है, तो उसका कितने फ़ायदे हैं, उसका है कि नहीं है, वहाँ से लेके आओ सिम क्या नहीं लेके आओ। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द वीडियो। सो फर्स्ट थिंग, देखो यार, इंडिया में जब मैं बायोमेट्रिक अपना कराने गया था ना, तो वहाँ पे मुझे एक सिम दी थी, उन्होंने सिम पकड़ा दी थी कि लो भाई फ्री सिम है। बाद में मेरे पास कॉल आया फाइडो वालों का कि भाई ऐसे ऐसे है, आपको ये सिम मिल रही है, आपकी एक्टिवेशन चार्ज नहीं लगेगा और $40 का प्लान है प्लस टैक्सेस, और आपको जो है 10 GB का डाटा मिलेगा और आपकी सिम यहीं से एक्टिवेट हो जाएगी जब आप वहाँ कनाडा एयरपोर्ट पे पहुँचोगे, तो बढ़िया किसी को भी कॉल करना, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने अपने फ्रेंड वगैरह से यहाँ पे जो है कनाडा का उनसे पूछा, तो कह रहे ठीक है प्लान, अच्छा प्लान। तो फाइडो की सिम मैं लेके आ गया यहाँ पर। मेरा प्लान था $40 का प्लान था प्लस टैक्स, और उसमें मुझे 10 GB डाटा मिल रहा था और ऊपर से अनलिमिटेड कनाडा में कॉलिंग, टेक्सटिंग, ये सारी चीज़ें मुझे मिल रही थी, वॉइस मेल वगैरह जो भी आता है। अब उसके बाद क्या होता है, मैं यहाँ पे बेसमेंट में रह रहा हूँ, ठीक है। अब बेसमेंट में रहता हूँ मैं, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे सिग्नल ही नहीं आ रहा बेसमेंट में फाइडो के। ब्रैम्पटन में रह रहा हूँ, अच्छी खासी जगह है तो खैर, पर फाइडो के सिग्नल नहीं आ रहे, तो काफ़ी वैसी सिचुएशन हो गई। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, क्या हो गया, बाहर जाके कर लिया करेंगे कॉल। तो एक दिन क्या होता है, मेरे एम्प्लॉयर का फ़ोन आता है, वो मेरे को कोई शिफ्ट दे रहा होता है, मतलब शिफ्ट चेंज कर रहा होता है, तो अब मैं वो फ़ोन उठा नहीं पाता, तो मेरे शिफ्ट का नुकसान हो जाता है। तो वो कम से कम नुकसान मेरा $150 का लगभग था। तो अब मेरे को ऐसा लगा कि मैं क्या पैसे बचा रहा हूँ उसमें सिम में, इससे अच्छा अगर मैं सिम अपनी ठीक कर लूँगा तो क्या कहते हैं 3-4 महीने का तो बिल वैसे ही निकल जाता। तो फिर मैंने सोचा नेटवर्क अपना अच्छा होना चाहिए कि कभी भी कोई कहीं पर भी फ़ोन करे, फ़ोन मिलना चाहिए। तो फिर सबसे बढ़िया मैंने नेटवर्क देखा कनाडा में कौन सा है, तो वो निकला बेल। अब मैं बेल के शोरूम पे गया, भाई बेल का तो प्लान बड़ा महंगा था, $75-$80 के अराउंड जो बेसिक प्लान है बेल के। तो फिर मैंने सोचा इतना भी खैर कनेक्टिविटी नहीं बढ़ानी अपनी, तो फिर मैं चला गया रॉजर्स पे, क्योंकि सेकंड नंबर पे मैंने देखा सेकंड नंबर पे रॉजर्स आता है। रॉजर्स वालों को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने बोला भाई $60-$65 का प्लान है ऑल अराउंड, और आपको जो है 6 GB के अराउंड और 10 GB के अराउंड जो है डाटा मिल जाएगा। अगर चलो ठीक है कोई नहीं, करना तो पड़ेगा, चलो ये ले लेते हैं। फिर मैं जब यहाँ अपने पास वाले स्टोर पे गया, तो मैं पूरा मन से कि भाई हाँ भाई इसको पोर्ट कराते हैं। मैंने पूछा भाई पोर्ट के चार्जेस क्या हैं, तो उन्होंने बोला कोई चार्ज नहीं है पोर्ट का, और आपको एक ही दिन में हम जो है ना पोर्ट करके दे देंगे। फिर मैंने जब उनसे प्लान पूछा, तो उन्होंने कहा चलो आपकी रॉजर्स की सिम है, तो हम आपके लिए एक बेटर प्लान बताते हैं कि आप इसको पहले चैटर में पोर्ट कर लो। चैटर में पोर्ट करने के बाद ये रॉजर्स में जब पोर्ट होगा, तो आपका प्लान इफेक्टिवली $45 का हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा चलो मेरे को क्या दिक्कत है। तो सेम डे उन्होंने मेरी सिम विदाउट एनी कॉस्ट चैटर में पोर्ट कर दी, ठीक है, और नेक्स्ट ही डे मेरी जो सिम है वो रॉजर्स में पोर्ट हो गई, ठीक है। तो मेरा प्लान अब मुझे क्या पड़ता है, $45 पड़ता है, ठीक है। उसमें मुझे 6 GB का डाटा मिलता है, और 6 GB का डाटा प्लस अनलिमिटेड कॉलिंग और अनलिमिटेड टेक्सटिंग वगैरह वाला सीन होता है। तो अपना बढ़िया रॉजर्स चल रहा है, बेसमेंट में सिग्नल आते हैं, कोई भी फ़ोन करता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। सो ये अच्छी चीज़ है, नेटवर्क अच्छा होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अब मैं क्या बताऊँ कि आपको लेनी चाहिए लेनी नहीं चाहिए VFS ग्लोबल वाली जो सिम है। देखो उसका क्या सीन है, मैं तो ये कहूँगा कि इंडिया से ले आओ, ठीक है, अपना यहाँ पे आओगे देखोगे चीज़ें, ज़रूरत पड़ेगी अगर आप ऊपर रह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, और क्या पता आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे सिग्नल आए, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पोर्ट करवा लेना, पोर्ट करवाने के तो वैसे भी कोई चार्जेज नहीं है, ठीक है, तो कोई ऐसा चक्कर। सो यही था सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मेन, और अपने हिसाब से आप चूज़ कर लेना। बाकी और सिम भी हैं, जैसे फ्रीडम हो गई, वो थर्ड नंबर पे आ जाता है, और यही सारे सिम इनकी यही रेंज है लगभग 40-50 के आसपास फ्रीडम की, और एक दो सिम और है इसमें, तो ये सारी चीज़ें अब वो अपने हिसाब से आप जो भी आपकी नीड है वो देख सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ लाइक करना, कमेंट भी कर देना कि क्या पसंद आया क्या पसंद नहीं आया, और किस तरीके की वीडियो आप अगली बार चाहोगे, मतलब किस तरीके की वीडियो आप चाहते हो कि मैं बनाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।